शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतदान होना है। वहीं उपचुनाव से दूर बसपा के फैसले ने राजनीतिक हलचल एकाएक बढ़ा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए अपने वोटरों से चुनावों से दूर रहने की अपील की है। वहीं जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकले भी तो उन्हें नोटा का बटन दबाने को कहा गया है। इस ऐलान के बाद बीजेपी अब बसपा के वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गई है। उसे उम्मीद है कि मोदी योगी की योजना का हवाला देकर बसपा के वोटर उनके प्रत्याशी के पक्ष में आसानी से आ जाएंगे, जिसका असर सीधे चुनाव के परिणाम पर दिखेगा। यूपी का घोसी उपचुनाव सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस लोक का समर्थन मिला है। वहीं सपा से बीजेपी में आए दारा सिंह को सुभाषपा का भरपूर समर्थन यहां पर मिल रहा है। लिहाजा घोसी सीट पर सीधे लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। ऐसे में दोनों गठबंधन इस जीत के सियासी संदेश देना चाहते हैं। उधर बसपा के ऐलान के बाद भाजपा और सपा में हलचल तेज हो गई है। कारण घोसी सीट पर 90,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जो परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बसपा के ऐलान के बाद भाजपा ने अपनी स्थानीय टीम को एक्टिव कर दिया है। उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है, खासकर दलित पिछड़ों के लिए विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। ऐसे में बसपा के चुनाव से दूर रहने पर ये वोटर भाजपा के साथ आसानी से आ जाएंगे। वहीं बसपा शासन में हुई दलितों की अनदेखी से बसपाई वोटर उनसे दूरी बना रहे हैं। 90,000 अनुसूचित जाति, 95,000 मुस्लिम, 50,000 राजभर, 50,000 नोनिया, 30,000 बनिया, 19,000 निषाद, 15,000 क्षेत्रीय कोजी, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 5,000 कुम्हार बसपा प्रदेश अध्यक्ष नाथ ने इंटरव्यू में बताया। और ये आंकड़े हम जो आपको बता रहे हैं कि कितने प्रत्याशी वोटर कौन सी जात के यहाँ पे जो वोटर हैं उनका निशाना यहाँ पर 7,000 है। पार्टी के प्रमुख ने बताया कि घोसी चुनाव से दूर रहने के निर्देश जो हैं सुप्रीमो मायावती द्वारा दिए गए हैं। इसमें पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस चुनाव में किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा बसपा समर्थक मतदान से दूर रहेंगे। वहीं जो मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेंगे वो नोटा का बटन दबाएंगे। ये बड़ा संदेश जो है बसपा की तरफ से अब जनता को या उनके मतदान जो करने जाएंगे उनको दे दिया गया है, और बड़ा नुकसान यहाँ पर गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।